अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, हम आ गए यहाँ पे आइकिया। एक्चुअली ना, कुछ दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैं घर को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाई अच्छे से। तो मैं यहाँ पे ना कुछ प्लांट्स वगैरह देख रही हूँ। प्लांट्स से घर डेकोरेट करने से ना घर एकदम सा खिल उठता है, जान आ जाती है घर में। तो मैं आर्टिफिशियल प्लांट ही लूँगी, क्योंकि ना कभी ट्रैवल करना हुआ तो मुश्किल हो जाती है। अगर नेचुरल प्लांट है तो कौन टेक केयर करेगा घर पे अगर कोई नहीं है तो। बट आर्टिफिशियल प्लांट भी ऐसा है ना, बहुत रियल दिखता है आइकिया का। तो मैं यहाँ आ गई थी, दो प्लांट्स मैंने ले लिए। और हमारा एक ब्लैंकेट है, वाइट कलर का है, तो उसमें कवर चढ़ाना था। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, तो ये वाला ना प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। वाइट के ऊपर पूरा ग्रीन प्रिंट है, मतलब ग्रीन लीव्स वगैरह है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो वाला मैंने ले लिया। और बाथरूम में ना सोप होल्डर नहीं है हमारे पास, साबुन रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं बाथरूम सेक्शन में आ गई थी। और इतना खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन था यहाँ पे बाथरूम्स का। एनीवेज, उसके बाद मुझे ना अदेसी हुक चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन करना है। किचन में कुछ सामान अटकाना होता है ना ऐसा हैंग करने के लिए, तो आइकिया का अदेसी हुक बहुत अच्छा होता है, प्राइस भी बहुत कम होता है और अच्छा होता है। तो बस थोड़ा बहुत सामान था घर का, वो हमने ले लिया। और मैं सारा लिस्ट बनाकर लेकर आई थी क्या क्या हमें चाहिए। और ये वाला सेंटर टेबल ना दुबई में हमारे पास था, तो परफेक्ट, मतलब ग्रे के संग व्हाइट कलर का टेबल अच्छा जाता है। और छोटे बच्चे घर पे हो ना तो कॉर्नर्स वाले टेबल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, चोट वोट लग जाता है, दौड़ते खेलते हैं वो लोग, तो राउंड टेबल बेस्ट लगा हमें, तो राउंड टेबल ही हमने ले लिया। और यहाँ पर हमारा शॉपिंग हो गया डन, तो मैं घर जाकर दिखाऊँ कि मैंने क्या लिया है। यू कैन पुश इट। और फर्स्ट टाइम लाइफ में ना मैंने इतना फास्ट शॉपिंग किया है, वो भी आइकिया में। मतलब 1-1.5 घंटे में मेरा शॉपिंग डन हो गया था, बहुत फास्ट किया मैंने। तो ये फ़ायदा हो गया लिस्ट बना के लाने का। तो अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। और बट उससे पहले ना मैं आपको ये टेबल दिखाती हूँ, सेंटर टेबल। छोटा सा अगर लिविंग रूम है ना तो इस तरह का सेंटर टेबल बहुत अच्छा होता है, स्टोरेज का भी काम करता है, प्लस चाय कॉफ़ी पीना है, खाना भी खाना है तो आप इसके ऊपर रख के खा सकते हो, और छोटे लिविंग रूम के लिए सही है। और प्लस स्टोरेज है ना, तो आप इसमें ऐसा ब्लैंकेट, कुशन, बच्चों का टॉयज, ये सब भी रख सकते हो यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट भी है, साफ़ सफाई भी करना है ना तो आराम से आप जगह से मूव कर सकते हो, वापस रख सकते हो। तो मुझे लगता है यहाँ प्लांट्स, ये परफेक्ट जगह है प्लांट्स लगाने के लिए। तो मेरे पास स्टैंड है, मैं ये यूके से लेकर आई थी, सेम स्टैंड मैंने लगाया था घर पे, यूके वाले घर में। तो बस एक स्क्रू लगा के ना इसे असेंबल करना होता है, और इस तरह से ये एडजस्टेबल भी है, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये बहुत बहुत बड़ा साइज़ का ये पॉट है, तो आराम से ये ले लेता है, देखिए इतना एक्सपैंड होता है इस तरह से। छोटा पॉट लगाना है तो छोटा भी लगा सकते हो, बड़ा लगाना है तो बड़ा भी लगा सकते हो। और ये प्लांट स्टैंड लगाने से ना दिखने में भी खूबसूरत लगता है, और प्लांट को थोड़ा हाइट भी मिल जाता है। तो जो प्लांट लेकर आई हूँ ना, मुझे वैसे ही थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, बट स्टिल। और मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा लगाऊँ, ये छोटा वाला बहुत छोटा हो जाएगा कॉर्नर में, तो मैं जो बड़ा वाला थोड़ा है ना वही लगा दूंगी। और इस प्लांट्स को लगा के ना थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है इस तरह से, अगर थोड़ा सा फैला दोगे हाथ की मदद से ना तो अच्छा सा हो जाता है, फैल जाता है और अच्छा लगता है फिर दिखने में। तो और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे भी मैं स्टैंड लगाकर चेक कर रही थी कैसा लग रहा है, बट मेरे पास जो स्टैंड है ना एक ही है, तो मुझे एक और लाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मैं लेकर आई हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली सोफ़ा में ना कुशन एक साइड में मैंने लगाया है, दूसरे साइड के लिए कुशन नहीं था, तो मुझे लगा कुशन ले लेना चाहिए। तो ये फेदर्ड कुशन है, फेदर वाला कुशन बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से चलता है, मेरा 2 साल से चल रहा है, दुबई में मैंने लिया था, वो सब अभी तक अच्छा है। और ये वॉश हो जाता है, अच्छी बात तो ये कि वॉश कर सकते हो मशीन में, और हल्का का दबाव करना तो फूल जाता है। और ये एक्चुअली ये पॉट हॉट पॉट या पैन रखने के लिए, बट मैंने लिया है रोटी रखने के लिए, मतलब हॉट पॉट में डाल के रख दूंगी ना तो अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सोप होल्डर है, ये सक्शन कप वाला है, इसमें कुछ ड्रिल करना नहीं है, जस्ट ऐसा चिपका दोगे ना तो ये होल्ड कर लेगा। और यहाँ पे फिटेड शीट लिया है अलीरा के बेड के लिए। और यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पे ब्रश, पिज़्ज़ा कटर, स्पैटुला, ये सब नहीं था घर पे, तो ये सब मैं लेकर आई हूँ। और प्राइस भी बहुत अच्छा था, रिजनेबल प्राइस था। और ये वाला तो आप लोगों को दिखाया मैंने आइकिया में, ये बहुत अच्छा लग रहा है प्रिंट इसका, तो इसे मैं वॉश करके मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है बेड पर। एक्चुअली ब्लैंकेट कवर है ये, और एक कैंडल छोटा सा अलीना को अच्छा लगा। और ये जूसर ले लिया है जूस निकालने के लिए। और ये देखिए 3 के सेट में ना मुझे बहुत अच्छा सा अच्छे प्राइस में मिल गया, तो मैंने ये भी एक ले लिया। और कुछ कप्स वगैरह, इस तरह का क्लियर कप्स नहीं था मेरे पास। विशु, व्हाट हैपेंड विशु? आई लव योर थिंग्स, आई लव सो मच थिंग्स इन माय लाइफ।
You love so much things in your life. In my life. Oh, Mishu. It's yours only. It's not mama's thing. It's yours only. You don't know that? You can drink milk from that cup. You know that? और ये देखिए अदे से बुक लेकर आई हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी किचन कैबिनेट के जो डोर है ना उस पर लगा के चीज़ों को सब हैंग करूँगी। बड़ी बड़ी चीज़ें भी ना अंदर रखना पड़ता है तो मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कैबिनेट का जो डोर है उस पर मैंने पेंसिल से मार्क कर दिया है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके करूँ ना तो सही से दरवाज़ा फिर बंद होगा, नहीं तो टकरा जाएगा ये ऊपर जो है इसलिए। और बस हल्के हाथ से ना इसे इस तरह से दबा देना है, अच्छे से चिपक जाता है। साथ साथ आप यूज़ भी कर सकते हो। तो मेरे पास ना ये सब देखिए बड़ा बड़ा सामान है जो बहुत मुश्किल होती है रखने में कैबिनेट के अंदर, और इस तरह से हैंग कर लिए तो स्पेस का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है, प्लस हैंडी भी रहता है सब चीज़ें। जल्दी फटाफट निकालना है ना तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है सारी चीज़ों को, और ये अच्छा खासा वेट ले लेता है। मैंने तो हल्का हल्का सामान रखा है, भारी वेट का सामान भी ना ये आराम से होल्ड कर लेता है। तो मैं चेक करी थी दरवाज़ा बंद हो रहा है कि नहीं, तो दरवाज़ा अच्छे से बंद हो रहा है। और ये वाला देसी हुक ना हमें मिला था दो के सेट में, मतलब एक पैक में दो पीस था ये वाला, और इसका प्राइस सिर्फ $1 है। $1 से भी कम है, 0.99 था। तो मतलब इंडिया का हिसाब लगाओगे ना तो सिर्फ 60 रुपये होते, और उस प्राइस में जो क्वालिटी है ना अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो क्योंकि पहले भी ना मैंने यूज़ किया है बाहर से, यहाँ वहाँ से लाकर ना मैंने स्टिक किया था, वो क्या होता है 2-3 दिन ठीक रहता है, उसके बाद ना वो गिरने लगता है, फिर उसको चिपकाओ बार बार फिर गिरने लगता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो इसलिए मुझे ना आइकिया का हुक ही अच्छा लगता है, बट जा नहीं पा रही थी ना इसलिए मैं ला नहीं पा रही थी, और आइकिया काफ़ी दूर भी है हमारे घर से, तो मैंने यहाँ पर भी एक लगा लिया है। और ये देखिए तीन है, इस एक में तीन है, और इसका प्राइस ही बहुत कम है, सिर्फ $2 का है ये। तो एक हुक में मैं 3 चम्मच हैंग कर रही हूँ, इतना ज़्यादा ना कैपेसिटी है हुक के अंदर, तो आराम से आप बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए अगर आपका ना शेल्फ है इस तरह से बीच में, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, लाइक अगर इस तरह से शेल्फ होता है ना तो अगर आप हुक थोड़ा नीचे में लगा देती है ना तो क्या होता, ये टकराता आपस में और मेरा जो कैबिनेट है वो बंद नहीं होता। तो मैंने इस तरह से लगाया है कि शेल्फ के ऊपर ही मेरा सारा सामान देखिए ऊपर आ रहा है, तो ये आराम से बंद हो जाएगा। और थोड़ा सा गैप भी मैंने रखा है ताकि जो राइस डिस्पेंसर है या कुछ भी चीज़ें आप रख रहे हो अंदर, वो एक दूसरे के साथ टकराए ना बंद होने पर, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 हुक ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। और ये मैं धोऊंगी, जस्ट ऐसे दिखाने के लिए मैंने हैंग कर दिया वो रोटी रखने का जो मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ मेजरिंग कप, आइसक्रीम स्कूप, पिज़्ज़ा कटर, केक कटर, मतलब कितना कुछ आप रख सकते हो, और बहुत अच्छे से होल्ड भी कर लेता है वेट ये, तो टेंशन नहीं है कि हुक गिर जाएगा। और इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो कल रात में ना जम के यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, रात भर स्नोफॉल हुआ है और टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया था, रात में काफ़ी ठंड थी, और यहाँ पर देखिए पूरा भर गया है हमारा ये पैटियो बर्फ़ से। तो अगर साफ़ ना करूँ ना, कभी कभार जो आते हैं ना बिल्डिंग के मेंटेनेंस वाले साफ़ करके जाते हैं, कभी कभार नहीं करते, तो पैसेज देखा मैंने साफ़ किया उन्होंने और यहाँ पर वो चले गए छोड़कर ऐसे ही, तो पहाड़ बन जाता है अगर साफ़ साफ क्लियर भी ना करूँ। तो हल्का हल्का भी था तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं बस जितना जो आने जाने का पैसेज है मैंने उतना ही क्लीन कर लिया है। देख सकते हो कितना बर्फ़ पड़ा है रात में। तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत पैटियो की सफाई मैंने कर दी, एटलीस्ट पैसेज क्लियर हो गया। और यहाँ पर मिशू भी सोकर उठ गई है, और मिशू का ना आज साइकिल असेंबल हो गया, मतलब पीस पीस में आया था, बर्थडे गिफ्ट मिला था ना उसे, हमने दिया था उसे, तो आज बहुत खुश है, साइकिल उसका बन गया फाइनली। तो बस हवा डालना बाकी है इसमें, फिर रेडी है इस यूज़ करने के लिए। तो हस्बैंड यहाँ पे हवा डाल रहे हैं। Yeah, you're yeah. Not a big girl, so I don't get told. Yeah, you're a big girl, I know. You're a big girl. But Papa, that's a basket, not a bucket. No, I'm sorry. See you. See you, Papa. Yeah, I'm sorry, I'm sorry. और यहाँ ना मिशू इस तरह से थैंक यू बोलती है, मतलब इतनी खुश हो गई, साइकिल बना दिया पापा ने, तो किस पे किस, हगी पे हगी दिए जा रही है पापा को।
Umma. और मिशू ना हेलमेट नहीं पहनना चाह रही थी, तो हमने कन्विंस किया उसे बहुत मुश्किल से। और ये फर्स्ट टाइम है मिशू का साइकिल पे बैठ के वो खुद से साइकिल चलाएगी। करपा दिए okay. फिर भी आप थक जाओ। डू मिशू डू गो मिशू यू कैन डू इट गुड जॉब। कीप पेडलिंग कीप पेडलिंग कीप पेडलिंग कीप द हैंडल स्ट्रेट या यू आर लर्निंग गुड जॉब मा आई एम वेरी हैप्पी यू आर लर्निंग सो फास्ट। आई एम लर्निंग अप्पी या अप्पी सी अप्पी शी इज एबल टू डू इट व्हाई ना गो इट गुड जॉब सी सी चला पा रही है। तो बच्चे बाहर में खेल रहे हैं, मिशू साइकिल चलाना सीख रही है, तो मैं यहाँ पर ना नाश्ता बना लूँगी फटाफट। तो आटा मेकर में मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया है, और ये नाश्ता मेरे घर में ना हफ्ते में एक बार तो बनता ही बनता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सिंपल सा नाश्ता है। और अभी आटा मेकर आ गया तो मुझे आराम हो गया है, मतलब लाइफ सेवर है आटा मेकर। और वीकेंड में कुछ स्पेशल नाश्ता खाने का मन भी करता है, सब घर पे होते हैं तो सब साथ में बैठ कर ना अच्छा सा नाश्ता करने में अच्छा भी लगता है। तो सामने जो इंग्रेडिएंट्स है आप देखकर समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल सा नाश्ता है, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई बैठा दिया गर्म होने के लिए, और जब तेल लेने गई तो देखा कि तेल ही ख़त्म हो गया है बॉटल का, तो यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ये रेसिपी बाय हार्ट याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार शेयर किया आप लोगों के साथ, और अच्छे फीडबैक भी आए थे जिन लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे मैंने पाँचफोरन ऐड कर दिया है, और इसमें जाएगा हींग। हींग डालने से ना डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, गैस वैस नहीं होता। तो यहाँ पर आलू को मैंने डाल दिया है, 3 मीडियम साइज़ का पोटैटो मैंने लिया, थोड़ा सा चला लिया तेल में हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर ऐड करके थोड़ा सा चला लेके इसे, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक, 2 ग्रीन चिलीज़ और 2 टमाटर लिया था 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो में, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने ऐड कर दिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। तो बस इसे डाल दिया, और इसमें साथ साथ सॉल्ट ऐड कर देंगे, और सॉल्ट ऐड करके ना टमाटर का पानी पूरा सुखा लेंगे आलू में। देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल सूख गया है, अच्छे से टमाटर पक गया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी अब 2 ग्लास पानी भर के, क्योंकि इसी पानी में आलू गलेगा हमारा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम में एक बॉईल आने देंगे। और मैं ना यहाँ पे पीस ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मतलब मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, फ्रोज़न पीस है जल्दी गल जाएगा। अब इसे ढक करना मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट पका लेंगे। और जब तक हमारा ना आलू वहाँ पे गल रहा है, हम पूड़ी बना लेते हैं, यहाँ पे पूड़ी बेल लेते हैं। तो पूड़ी बेलने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, बड़ा सा एक रोटी बेलो, उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी ना पूड़ियाँ काट लो, बट इस तरह से थोड़ा मोटा हो जाता है, तो बाद में मैं फिर थोड़ा सा बेल लेती हूँ वहाँ से, बट फिर भी ना इजी हो जाता है इस तरह से। तो सारी पूड़ियों को मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पर हमारा सब्ज़ी भी डन हो गया है, तो आलू हमारा अच्छे से गल गया है, तो अभी से थोड़ा हम तोड़ देंगे। देखिए अभी लेकिन पानी पानी है, बट जैसे ही ब्रेक होगा ना आलू ये ठीक हो जाएगा ग्रेवी इसका। तो आप चाहो इस तरह से मैश कर लो, बट मुझे बेस्ट लगता है ना तोड़ देना हल्का हल्का, तो क्योंकि मैश करने से बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ग्रेवी, फिर मिलता नहीं है पूड़ी में खाने के लिए। तो हल्का सा हल्का ब्रेक करोगे तो ग्रेवी थोड़ा मिलेगा आपको। देखिए हल्का सा मैंने ब्रेक कर लिया है, अब बस इसमें थोड़ा सा ना कसूरी मेथी घिस के 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे, अच्छे सा फ्लेवर आ जाता है इसमें, और मिक्स कर देंगे और ढक कर इसे साइड में रख देंगे, और हम अपनी जो पूड़ियाँ हैं वो छान लेंगे। और यह मैं पैन में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पैन में ना जगह ज़्यादा मिलता है पूड़ी फ्राई करने के लिए, 2-3 पूड़ी आप एक साथ डाल सकते हो। तो इस तरह से पूड़ी ना बलून जैसा फूल रहा है, शेप थोड़ा ख़राब हो गया है, मैंने बेला था फिर से, बट आप देख सकते हो पूड़ी बहुत फूला फूला बन रहा है, ऑलमोस्ट सारी पूड़ियाँ फूली है। और मैंने गेहूँ का आटा यूज़ किया है, तो मतलब मैदा वैदा मैंने यूज़ नहीं किया है,
तो ये हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये पूड़ी बहुत ही टेस्टी बना है, सब्ज़ी भी बहुत अच्छा बना है, मतलब ऊपर से क्रिस्पी और अंदर पूड़ी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए किस तरह से टूट रहा है। तो कभी कभी ना ऐसा नाश्ता खाने में मज़ा आता है, सुबह सुबह मिल जाए तो बस दिन ही बन जाता है। मुझे तो बहुत पसंद है कोलकाता स्पेशल ये नाश्ता है। और बच्चों को ना मैंने अंदर बुला लिया था नाश्ता करने के लिए, नाश्ता रेडी हो गया था। और मीशू देखिए कलाकारी दिखा रही है अपना, वो फ्रूट कटर लेके ना सारा शेप्स बनाई है इस तरह से, बनी रैबिट हार्ट ये वो सब, और सब फ्राई भी करवाया उसने मुझसे। और यहाँ हस्बैंड जो टेबल लेकर हम आए थे ना आइकिया से, वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे, फिट कर रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद वापस से ही गए बाहर खेलने, और मैं यहाँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये कुछ ना टॉयज़ है, एक्चुअली हमारी कज़न है वो टॉय सेल करती है वेबसाइट पे, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा अगर आप चाहो तो, इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास ना कुछ टॉयज़ है मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह के ना जो टॉयज़ होते हैं सारे एक्टिविटी टॉयज़ होते हैं, मतलब बच्चे लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं, इंगेज रहते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। देखिए स्टोरी बुक्स वगैरह भी है पिक्चर्स के साथ। और यहाँ पे मीशू को उन्होंने गिफ्ट दिया था तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ABCD पढ़वाने का बच्चों को, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हम बुक्स में पढ़ाते हैं ना, बट यहाँ पे देखिए बच्चे टॉयज़ के मतलब खेलते खेलते भी पढ़ना सीखेंगे, 3+ के एज का है। और यहाँ पर मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको क्या है। देखिए इस तरह से छोटा छोटा कप बना हुआ है और उस पर ABC लिखा हुआ है, और देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। जैसे आप खोलोगे ना तो इसके अंदर से एप्पल निकलेगा, मतलब ए फॉर एप्पल है तो उस कप के अंदर जिस कप में ए लिखा हुआ है उसमें एप्पल डालना है। और साथ में यहाँ पे स्मॉल लेटर भी है इस तरह से देखिए बना हुआ है। तो बहुत अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग वे है बच्चों को सिखाने का, बच्चे भी बहुत ना इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं। जैसे डी है देखिए यहाँ पे, तो डी के अंदर डी फॉर डायनासोर यहाँ पे, तो डायनासोर निकला इसके अंदर से। तो इस तरह से तो A to Z पूरा इसमें है टॉयज़ के साथ। जैसे यू फॉर अम्ब्रेला, ये देखिए अम्ब्रेला निकला। तो मीशू बहुत इन्जॉय भी करती है और सीखती भी है। तो इस तरह का टॉयज़ हो ना जहाँ पे बच्चे सीख भी रहे हैं और खेल भी रहे तो बहुत बेस्ट होता है। तो ये गिफ्ट बेस्ट लगा मुझे उनका। और बड़े बच्चों के लिए भी है, देखिए 8+ के बच्चे के लिए भी है। तो मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हो। बट जो मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स इंडिया में, उन्हें नहीं मिलेगा, सिर्फ कैनेडा के लिए अवेलेबल है ये। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा वैक्यूम कर लूँगी घर। और ये कॉर्डलेस है, चार्ज होता है, चार्ज पे चलता है ये। तो यहाँ पे मैं हाइट एडजस्ट कर रही हूँ, हस्बैंड कभी कभी वैक्यूम करते हैं ना तो ऊपर कर देते हैं, तो फिर मुझे अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पर ना, और मैंने ना कूड़ा बाहर निकाल दिया है डस्टबिन से, जो ब्लैक बैग दिख रहा है आपको कूड़ा का बैग है वो, तो भी बाहर करना है मुझे। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे कि अप्लायंसेस कैसा है, लाइक चॉपर, वैक्यूम क्लीनर, ये सब। तो मैं एक अलग से ना इस पे वीडियो बनाऊंगी सारे अप्लायंसेस के ऊपर, तो आप लोगों को इजी भी हो जाएगा, अगर आप लेना चाहो तो ले भी पाओगे, और मैं अच्छे से रिव्यू भी दे पाऊंगी थोड़ा यूज़ करने के बाद। तो बस ये कूड़ा डालने जा रही हूँ मैं गार्बेज रूम में, और इसके साथ ही ना मेरा मॉर्निंग का जो काम का आज रूटीन होता है वो ख़त्म हुआ। सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, और आज मीशू तो साइकिल चलाता है सीख कर ही छोड़ेगी, तो मैं भी जा रही हूँ उनको ज्वाइन करने। तो मैं भी आ गई थी बाहर एंजॉय करने इनके साथ। और अलीना ने बोला ना कि आप भी स्कूटी राइड कर सकते हो, बड़े भी चला सकते हैं स्कूटर को, तो मैं ट्राई कर रही थी। हाँ बहुत लोग कर पा रही हो, और ये स्कूटी मैंने कभी नहीं चलाया था, तो मैं जब चला रही थी ना तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी और कर भी पा रही थी। तो कुछ इस तरह से हमने अपना वीकेंड मनाया, और आप लोग किस तरह से अपना वीकेंड मनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज लवली सब्सक्राइबर्स। ओ मीशू।